Assalamu alaikum. So today I'm going to talk about skills versus degree. So बहुत सी जगहों पर मैंने प्लेटफॉर्म पर देखा है, लिंकडिन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर कि क्यों बहुत से लोग जो है वो एक्सट्रीम में सो के कहते हैं कि डिग्री ज़रूरी नहीं है और बहुत से लोग जो है वो एक्सट्रीम में सो कहते हैं कि डिग्री लाजमी ज़रूरी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा अपना परस्पेक्टिव रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ 2 साल से और मैं इस फील्ड में जो है वो वीडियोज़ भी बना चुका हूँ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी पर काम भी कर रहा हूँ। सो फ्रॉम माई परस्पेक्टिव मैं जो है वो बेसिकली MCS पास आउट हूँ 2018 में क्रांच यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए मेरे पास एक डिग्री है और मेरे पास जो है वो एक डिप्लोमा भी है एपटेक का। सो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है डिग्री भी ज़रूरी है और स्किल्स भी ज़रूरी है। डिग्री क्यों ज़रूरी है उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। डिग्री इसलिए ज़रूरी है कि डिग्री आपको सिखाती है कि डिसिप्लिन क्या होता है, आपकी वर्क रूटीन क्या होती है। वर्क रूटीन का मतलब आपको अगर आप मॉर्निंग में, मैं इवनिंग में था तो हमारा टाइम था 4 बजे से 7-8 बजे तक, तो उसके अंदर जो है वो आपको एक टाइम होता है कि इस टाइम पर क्लास शुरू होगी, इसी टाइम पर आपको आना है यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर टेबल होता है कि आपको इस टाइम पे जो है वो यूनिवर्सिटी पहुँचना है। जिस तरीके से मॉर्निंग के अंदर आपको 9 बजे 10 बजे या 8 बजे यूनिवर्सिटी पहुँचना है, तो ये एक आपका रूटीन सेट होती है कि आपको इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे जो है वो आपको यूनिवर्सिटी जाना है। तो एक आपको ये डिसिप्लिन बन जाता है। दूसरा आपके अंदर जो है वो सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होती है जब आप एक डिग्री करते हैं। जैसे मैंने जब अपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री के अंदर जो है वो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखी जो क्लास में जो है वो सिर्फ बेसिक टॉपिक्स पढ़ाए गए, उसके बाद फिर उनको सेल्फ एक्सप्लोर किया, जैसे कि डेटा साइंस, डेटा स्ट्रक्चर और एनोटेशंस और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, बाइनरी सर्च ट्री, स्टैक, क्यू, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादातर ज़रूरी नहीं होता कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। वो सिर्फ एक टॉपिक देते हैं आपको, सिर्फ बता देते हैं कि ये एक ब्रीफली व्यूज नहीं देते, वो सिर्फ प्रॉपर से एक बेसिक व्यू दे देते हैं। उसके बाद आपको कुछ सर्च करना पड़ता है नेट के ऊपर कि ये किस तरह से काम हो रहा है, इस पर कैसे काम कर सकते हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इसको और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी सर्चिंग जो है वो बहुत ज़रूरी, जो इस कैरियर पाथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी पाथ हो उसके अंदर सर्चिंग ज़रूरी होती है बहुत। तो इसके सेल्फ लर्निंग के साथ आपकी सर्चिंग बहुत अच्छी एक्सप्लोर होती है कि आपको किस कीवर्ड से सर्च करना है कि कौन सा रिजल्ट आपके लिए परफेक्ट आए। क्योंकि शुरू में जब मैं सर्च करता था मतलब चीज़ें, तो वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट या इतनी ज़्यादा मीनिंगफुली चीज़ जो है वो मेरे पास सामने नहीं आती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सर्च करना है, किस बारे में सर्च करना है, कैसे सर्च करना है, होता क्या है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीखता गया, तो क्योंकि सेल्फ एक्सप्लोरिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी में टीचर्स आपको बिल्कुल हाथ पकड़ के नहीं सिखाएंगे, तो वो फिर आपको बोलते हैं कि आप नेट पर सर्च करें, आप उधर से अपनी एक्सप्लोरिंग करें और उसके बाद उसके क्या कहते हैं नोट्स बनाएं। तो यही चीज़ जो है वो आपको डिफरेंट करती है, डिग्री के अंदर भी आपको हेल्प करती है, डिग्री के अंदर आपको हेल्प करती है जब आप डिग्री कर रहे होते हैं, तो आपकी सेल्फ एक्सप्लोरिंग बहुत हो रही है, आपकी सर्चिंग सर्च करने का अंदाज़ आपका चेंज हो रहा है, आपका सर्च करने की जो स्किल है सर्च करने की वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा जो है वो आप अगर देखें तो अगर हम देखें तो हमारी जैसे मैंने भी MCS किया, तो हमारे पास बहुत सारे हर सेमेस्टर में जो है वो कोई भी कोर्स होता था तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ती थी, उसका एक प्रोजेक्ट होता था छोटा सा, वो बना के देना पड़ता था। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो उसके अंदर हमारे पास चार्ट्स होते थे, हमारे पास पूरा डिस्क्रिप्शन होता था, हमारे पास बहुत मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन, लेआउट, पेज इंडेक्स, इंडेक्स पेजिंग और वो सब कुछ होती थी। तो उसके अंदर भी हमें बहुत हेल्प होती थी कि हमें इसको एक्सप्लोर करना है कि डॉक्यूमेंटेशन बनती कैसे है। क्योंकि जब आप एक मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, कि प्रोजेक्ट मैनेजिंग की साइड पर जाते हैं तो उसके अंदर भी एक यही चीज़ होती है कि आपको एक पूरी डॉक बनानी पड़ती है, यूज़र स्टोरी बनानी पड़ती है, आपको एक यूज़र स्टोरी चार्ट के तरीके से, यूज़र के तरीके से डिफाइन करना पड़ता है डेवलपर को कि ये चीज़ है, इसको ऐसे चलाना है, इसको ऐसे बनाना है और कस्टमर ये चाह रहा है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो आपको बहुत हेल्प करती हैं इसके अंदर कि आप किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करेंगे अपने, या कोई स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो उसके अंदर आप कोई फंडिंग के लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर आप किस तरह से अपनी एक फ़ाइल को, अपने एक आइडिया को एक फ़ाइल की शक्ल में देख के किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो इफेक्टिव सामने हो अपने जो अजनसा फंडिंग लेने जा रहे हैं या किसी को पिच कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सब आपको डिग्री ही सिखाती है, कोई आपको इंस्टीट्यूट नहीं सिखाएगा, कोई आपको, क्योंकि मैं स्टूडेंट पढ़ चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई आपको इंस्टीट्यूट नहीं सिखाएगा। अब सैलानी की भी आप मिसाल लेना, तो सैलानी के अंदर आपको स्किल्स सिखाई जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं सिखाई जाएगी कि सेल्फ अपलोडिंग क्या होती है, आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि क्या कहते हैं
क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं सिखाई जाएंगी, ये आपको खुद करनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर मैं स्किल्स को देखूँ तो स्किल भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी डिग्री, क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है खाली, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास डिग्री है BMCS की लेकिन जॉब नहीं है, और वो लोग जिन्होंने डिग्री नहीं करी हुई, स्किल्स है जैसे सैलानी हो गया, एपटेक हो गया, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनसे निकल के गए हैं, फैक्चुअल कोड हो गया उधर से भी जो है वो निकल के गए हैं, तो उनके पास डिग्री नहीं है लेकिन स्किल्स के ऊपर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आई रियली अप्रिशिएट इट बिकॉज आप लेकिन क्योंकि आपने जो है वो मतलब अपने आप को वेस्ट नहीं किया, स्किल्स सीखे उसकी बेसिस पे काम हो रहा है। मसला सिर्फ ये आता है कि अगर आप देखें तो पुराने ज़माने से अब तक जो है वो डिग्री के ऊपर ही लोग बन के इस करंट क्या कहते हैं एयर में पहुँचे हैं कि अब वो इतनी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, वो सिर्फ डिग्री पढ़ के एजुकेशन लेके अपने सोच का जाविया चेंज करके, सोच का जाविया वजी करके जो है वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि अब वो कर सकते हैं ये चीज़ें। तो यही चीज़ स्किल्स भी नहीं भी ज़रूरी होती है, डिग्री के लिए भी ज़रूरी होती है, और अगर मैं देखूँ तो एक जगह पे कहीं ना कहीं स्किल्स आपके क्या कहते हैं कैरियर पाथ में एक जगह के रुक जाते हैं, मतलब अब आपको डिग्री जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब अगर आप देखें आपको सिर्फ बाहर जाना है तो बाहर में ये तो सिर्फ एक जगह ना, गूगल डिग्री नहीं मांग रहा, फेसबुक डिग्री नहीं मांग रहा, लेकिन जब आप कहीं जॉब करते हैं वहाँ पर डिग्री आपकी वर्थ रखती है, वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि डिग्री आपको क्या क्या सिखा रही है, सेल्फ सपोर्टिंग आपको सिखा रही है कि कैसे मेंटेन करना है अपनी लाइफ को, वर्क रूटीन कैसे मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें एक तरीके से कैसे लेकर चलनी है वो डिग्री ही सिखाती है। तो एक जगह पे आपके भले आपके पास कितने भी स्किल्स हों, एक जगह पे आके आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा ये मशवरा है कि आप डिग्री भी करें और स्किल्स भी सीखें, ज़रूरी नहीं कि स्किल्स आप डिग्री से ही सीखें, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें। जैसे मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने डिग्री में नहीं सीखी लेकिन मैंने नेट से सीखी है, मैंने यूट्यूब की वीडियो से सीखी है, मैंने फेसबुक से सीखी है, मैंने डिफरेंट फ्रेंड्स से सीखी है। तो ये सब चीज़ें जो आपको ध्यान में रख सकते हैं, और ये जंग तो चलती रहेगी डिग्री वर्सेस स्किल, इसका कोई एंड नहीं है। जिनको डिग्री करनी है वो डिग्री भी करते हैं, जिनको स्किल सीखना है खाली स्किल सीखते हैं। तो दोनों के प्रॉन्स एंड प्रॉन्स हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। मेरा आइडिया ये है, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव बोलें या मेरा नज़रिया बोलें, वो मेरा यही है कि आप डिग्री भी करें और स्किल्स भी सीखते रहें, ताकि आपके पास एक मजबूत फ्यूचर की प्लानिंग होती रहे कि जब आप जाएं किसी के सामने तो आप डिग्री भी रखें, सर ये मेरी डिग्री है, इधर मैंने इस पर काम किया हुआ है और मेरे स्किल्स ये हैं, स्किल सेट ये है। तो उससे ये होगा कि आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि डिग्री है आपके पास और उसके बाद आपके पास स्किल्स भी हैं, मतलब इसने डिग्री तो करी साथ साथ उसके अंदर जो नहीं सिखाया इसने सेल्फ एक्सप्लोरिंग से स्किल्स भी सीखी। तो ये दो चीज़ें जो है वो आप अपने कैरियर पाथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, आप सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लियरली तो नहीं समझा सकूँगा, आई होप नहीं समझा सकूँगा कि क्यों ज़रूरी है डिग्री या क्यों ज़रूरी है स्किल्स। दोनों चीज़ें अपनी जगह पे ज़रूरी हैं और दोनों को करना ज़रूरी है और दोनों ही आपके लिए जो है वो फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर इस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो, बिगनर्स के लिए जो इस डिफरेंट कमेंट्स के अंदर या डिफरेंट पोस्ट पे पढ़ते हैं कि डिग्री जरूरत नहीं है, डिग्री नहीं करो, स्किल्स करो। तो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, और कोई भी क्वेश्चन आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं मुझे, मैंने फेसबुक के अंदर जो है वो अपना यूट्यूब के अंदर अपना ईमेल डाली हुई है, फेसबुक का लिंक डाला हुआ है, आप रीच आउट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।